हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, अगर आप भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज की वीडियो का वही टॉपिक है। आज मैं इंडिया की टॉप 10 रिक्रूटमेंट एजेंसी को बताने वाला हूं, जो गल्फ कंट्री के साथ साथ यूरोपियन कंट्री के लिए भी काम कराती है। और काफी पुरानी ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनका सर्विस चार्ज भी कंफर्टेबल है और वीजा सक्सेस रेट भी इनका हाई है। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में जॉब अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास जो है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास एक अपडेटेड सीवी होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर जानकारी फुलफिल होनी चाहिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्टरी वीडियो और वर्किंग वीडियो, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, तो आप इजीली यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में जाकर। तो उसके लिए ऑफिस विजिट करना होगा, वहां अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और जैसे ही आपके रिलेवेंट कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, तो आप फिर शॉर्टलिस्टिंग करा के इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। तो गाइस, जितने भी मैं ये ऑफिस आप लोगों को बताने वाला हूं, इनका सर्विस चार्ज बहुत ही कम है, बट उसके लिए क्राइटेरिया इनके पास जो ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है वो गल्फ रिटर्नर के लिए आती है और स्किल्ड वर्कर के लिए। तो गाइस, अगर आप गल्फ रिटर्नर है, स्किल्ड वर्कर है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो आप बहुत ही कम सर्विस चार्ज में यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट के सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। फर्स्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी है सिनकलस इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप फ्री में यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो भाई इस ऑफिस से आप फ्री में जा सकते हैं। नॉर्थ मैकडोनिया के लिए रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमेशा इनके पास फ्री वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओशियन कंट्री के लिए भी और अदर यूरोपियन कंट्री के लिए भी इनके पास रिक्वायरमेंट आती रहती है, और यूरोपियन कंट्री के साथ साथ गल्फ कंट्री के लिए और इंडिया के लिए भी भाई इनके पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो बहुत ही अच्छा ऑफिस है। ऑफिस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे हेड ऑफिस इनका 4143-48 नवकेतन इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा ब्रांच ऑफिस है इनके वडोदरा में, वडोदरा के अलावा जामनगर और दिल्ली, ये C2 ब्लॉक C Sector 1 नोएडा उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली का है और बेंगलुरु का, तो ये सारे ब्रांच ऑफिस है इनके। और इसके अलावा सेकंड रिक्रूटमेंट एजेंसी है भाई ट्रांस एशिया इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ये भी बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इनका भी जो है ना काफ़ी वीजा सक्सेस रेट हाई है इनका, और इनके पास भी यूरोपियन कंट्री के लिए काफ़ी सारी डिमांड आती रहती है। ऑफिस एड्रेस है ऑफिस नंबर 204 अब्बा रेजिडेंसी, अपोजिट रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट टू अम्बेर होटल, जगेश्वरी, मुंबई। ईमेल आईडी भी है, टेलीफोन नंबर भी है, लाइसेंस नंबर भी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनके यहाँ से भी आप यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद हम रखते हैं प्रोटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 40 साल पुराना ऑफिस है, और इनके पास भी हमेशा आपको सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन सारी कंट्री के लिए डिमांड आपको देखने को मिलेगी। सर्विस चार्ज इनका भी कंफर्टेबल है और वीजा सक्सेस रेट भी इनका हाई है भाई। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी और ऑफिस एड्रेस आप यहां पे देख सकते हो, 1105-1106 आर्केडिया NCPA मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई। और लाइसेंस नंबर भी यहां पे, तो आप इनके यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन मैन पावर सर्विसेज, ये भी बहुत ही अच्छा ऑफिस है भाई, और लाइसेंस नंबर आप देख सकते हैं, इनके पास भी हमेशा यूरोपियन कंट्री के लिए डिमांड देखने को मिलेगी। और हैदराबाद में इनका ऑफिस है, तेलंगाना में, और इनका सर्विस चार्ज भी बहुत ही कम है भाई, और वीज़ा सक्सेस रेट हाई है भाई। तो अगर आप भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो भाई इस ऑफिस से भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑफिस एड्रेस देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हो, ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन है, वेबसाइट भी। नेक्स्ट है भाई सुपर एशिया मैन पावर सर्विसेज, 33 साल पुराना ऑफिस है भाई ये, और ISO सर्टिफाइड ऑफिस है, और इनके पास भी हमेशा आपको यूरोपियन कंट्री के लिए डिमांड देखने को मिलेगी। दिल्ली में इनका ऑफिस है, देख सकते हो आप, सुजेंद्र टावर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनकपुरी, वेस्ट मेट्रो स्टेशन जनकपुरी, न्यू दिल्ली। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। तो भाई अगर आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हो तो इस ऑफिस से भी आप ट्राई कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट दी गई ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो, या फिर इनके ऑफिस विजिट करके भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट कर सकते हो और जा सकते हो। और उसके बाद है IOC सर्विसेज, ये भी बहुत ही अच्छा ऑफिस है भाई, इनका जो ऑफिस एड्रेस है वो बेंगलोर में और मैंगलोर में है, बेंगलोर और मैंगलोर, ठीक है ना, अलग अलग लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नवराग सर्कल, राजाजी नगर, बेंगलोर, कर्नाटका,
ये बालमत्ता मैंगलोर कर्नाटका, तो कर्नाटक में इनके और इनके पास भी बहुत सारी डिमांड आपको यूरोपियन कंट्री के लिए देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी अच्छी सैलरी की डिमांड इनके पास देखने को मिलेगी। तो आप इनके ऑफिस से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो बेंगलोर के आसपास के हैं, हैदराबाद के, वो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सर्विस चार्ज इनका भी कंफर्टेबल है और वीज़ा सक्सेस रेट भी हाई है भाई, तो इनके यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है एचआर इंटरनेशनल, ये भी अच्छा ऑफिस है। इनके पास भी बहुत रिक्वायरमेंट आती है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और जर्मनी के लिए, पोलैंड के लिए, कनाडा, यूएसए, इन कंट्री के लिए भी इनके पास काफ़ी वैकेंसी आती रहती है। तो भाई बहुत ही अच्छा ऑफिस है, और इनके ऑफिस जो है ना, ब्रांच ऑफिस इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया में भी है, दुबई में भी है, केएसए में भी है, नेपाल में भी है, और भी कई सारी कंट्री में इनके ऑफिस है भाई, रोमानिया में भी है। और जो इनका हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, देख सकते हो आप, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज सेकंड, न्यू दिल्ली। ऑफिस से इनका सर्विस चार्ज भी सही है भाई, और वीज़ा सक्सेस रेट भी इनका सही है। तो आप देख सकते हो ऑफिस एड्रेस यहाँ पे, और इसके अलावा मुंबई में भी इनकी ब्रांच है, देख सकते हो, बिहाइंड ट्रीडेंट होटल, नरीमन पॉइंट, मुंबई। और इसके अलावा भी इनके ग्लोबल मतलब कोचीन में और भी कई सारी सिटी में इनके ऑफिस हैं। तो आप इनके यहाँ से भी ट्राई करके यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टर्लिंग टेक्निकल स्टाफिंग, एसटीएस, तो बहुत ही अच्छा ऑफिस है भाई ये भी, और इनके पास भी हमेशा यूरोपियन कंट्री के लिए डिमांड आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी अच्छी डिमांड इनके पास आती है, 48 साल पुराना ऑफिस है भाई ये, और हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। आप देख सकते हो यहाँ पे नवजीवन कमर्शियल सोसाइटी, BLDG, 3rd फ्लोर, अपोजिट 811, डॉक्टर DB रोड, मुंबई सेंट्रल, ईस्ट मुंबई। देख सकते हो टेलीफोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी, और न्यू दिल्ली की ब्रांच का भी ऑफिस एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके ऑफिस विजिट कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑफिस है ये भी। नेक्स्ट है भाई त्रिहान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी, मोस्टली रोमानिया के लिए, सर्बिया के लिए, क्रोशिया के लिए, और इनका सर्विस चार्ज भाई थोड़ा सा हाई है बाकी और ऑफिस के मुकाबले। तो लेकिन इनका सर इनके पास जो है ना, फ्रेशर के लिए काफ़ी सारी डिमांड आती है यूरोपियन कंट्री के लिए, और फ्रेशर के साथ साथ जिनका ECR पासपोर्ट है, मतलब अनपढ़ वाला, वो भी जा सकते हैं यूरोपियन कंट्री इनके ऑफिस के थ्रू भाई। सैलरी अच्छी खासी रहती है, और ज़्यादातर रिक्वायरमेंट वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्टील फिक्सर, इस तरीके की रिक्वायरमेंट इनके पास हमेशा आपको देखने को मिलेगी, रोमानिया, सर्बिया, क्रोशिया, माल्टा, इन इन कंट्री के लिए। तो इनका ऑफिस एड्रेस आप देख सकते हो, 110 शिवम हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करमपुरा, न्यू दिल्ली में। टेलीफोन नंबर भी आप देख सकते हो, और इनकी जितने भी मैंने अब तक ऑफिस बताए, इनकी सभी की रिक्वायरमेंट मैं अपने चैनल के माध्यम से भी अपडेट करता हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे भी, जब जब कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मुंबई में भी इनका ऑफिस है, धीरज हेरिटेज, SV रोड, सेंट्रल क्रूज, वेस्ट मुंबई। इसके अलावा है भाई डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज, बहुत ही अच्छा ऑफिस है भाई, ये भी ग्लोबल ऑफिस है भाई, इनके बहुत सारी जगह ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में भी, रोमानिया, सर्बिया, क्रोशिया, जर्मनी में, नेपाल में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह इनके ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। और ये दिल्ली वाली ब्रांच का ऑफिस आप देख सकते हो यहाँ पे, डायनेमिक हाउस, KH 71, Sector 8B, द्वारका, न्यू दिल्ली, ये इनका ऑफिस एड्रेस है दिल्ली का। और अगर किसी को इसके अलावा और ऑफिस एड्रेस है मुंबई का या किसी और सिटी का, तो भाई मुझे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसको पूरे एड्रेस सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है भाई एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, भाई एशिया पावर ऑफिस और डायनेमिक ऑफिस, इनका सर्विस चार्ज बहुत ही कम है भाई, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। 40 साल पुराना ऑफिस है भी भाई, 1984 से ये स्टार्ट हुआ था एशिया पावर, और इनके पास भी हमेशा यूरोपियन कंट्री के लिए डिमांड आपको देखने को मिलेगी। और इनका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में भी इनका ऑफिस आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चेन्नई में है, कोची में है, और वडोदरा में है, और भी कई जगह इनके ऑफिस है, और इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में भी इनके ऑफिस है। तो भाई जितने भी ऑफिस मैंने बताई है, इनके पास जब भी यूरोपियन कंट्री के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। और इनका जो डायनेमिक वालों का और एशिया पावर वालों का तो बहुत कम सर्विस चार्ज, जब ये यूरोपियन कंट्री के लिए मोस्टली गल्फ ट्रेनर बंदा हायर करते हैं और स्किल वर्कर, तो इसलिए इनका सर्विस चार्ज बहुत ही कम है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप एक स्किल वर्कर हैं और गल्फ रिटर्नर है, तो आप इजीली बहुत ही कम सर्विस चार्ज में एशिया पावर ऑफिस और डायनामिक ऑफिस से यूरोपियन कंट्री जा सकते हो। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।